वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आपने अक्सर मुझे बोलते हुए सुना है कि हमारे मकसद में हमारा साथ दें, और हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं। तो आपको घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हम एक नई थेरेपी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चैनल पर, जिसे कहते हैं मैग्नेट थेरेपी, और जिसको लेकर आ रही है हमारे पैनल की डॉक्टर भारती चुन्नीभाई भट्ट, जो कि ना सिर्फ एक आयुर्वेदाचार्य हैं बल्कि इन्होंने काफ़ी लंबे वक्त से मैग्नेट थेरेपी पे रिसर्च की हुई है। तो आप मेरे एपिसोड्स तो देखते ही हैं, साथ में इनके एपिसोड्स भी देखिए और स्वास्थ्य लाभ उठाइए। मैं तो यहाँ पे रहूँगा, साथ में डॉक्टर भट्ट भी आएंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ देने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर भारती भट्ट है। मैं महाराष्ट्र में 77 से आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ। आयुर्वेद के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं पेपर में पढ़ के, या तो टीवी या कहीं रेडियो से कुछ भी सुन के, लेकिन आज हम आयुर्वेद के साथ चुंबक चिकित्सा के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। चुंबक के बारे में आप पढ़ते होंगे, कहीं देखा होगा या नेट से भी देखा होगा, लेकिन मैं जो बात आपसे बताऊंगी वो मेरे पेशेंटों को मैंने जिस तरह से इलाज किया, अच्छे हुए, वो पूरे इंडिया में मेरे फ्री कैंप हुए हैं, अमेरिका में भी मेरे कैंप हुए हैं। तो जो जो पेशेंट क्रोनिक है, खास करके उनके लिए आयुर्वेद के साथ मैंने मैग्नेट का उपचार किया है। आयुर्वेद में ही मैग्नेट का अंग है। रस शास्त्रों में चुंबक चिकित्सा का विस्तृत वर्णन किया गया है। हम आपसे वही चुंबक के द्वारा कम पैसों में अच्छा इलाज और घर बैठे इलाज कैसे हो सकता है, उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। अब मेरे परिचय में मैं ये बताऊं कि चुंबक मेरे पिता की दी हुई देन है। जब उनको नेहरू अवार्ड मिला, वो रशिया गए थे, वहाँ से आते हैं, उन्हें एक वैद्य मिले, दोस्त बन गए, उन्होंने एक चुंबक सेट उनको गिफ्ट दिया, उन्होंने मुझे दिया, और मैंने इस पर रिसर्च शुरू किया कि चुंबक में ऐसा क्या है जो आसानी से रोग मिटाते हैं। मैंने यहाँ की आयुर्वेद कॉलेजों में जाके उस पर रिसर्च किया, और इसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिले वो इतने अच्छे थे कि एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति जो पुरानी बीमारी के भोग बने हैं, जो हॉस्पिटलों के चक्कर काट के, वैद्यों के चक्कर काट काट के तंग आ चुके हैं, उनके लिए यह चुंबक बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। और मेरे पिता ने मुझे दी हुई ये गिफ्ट, जीवन की सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट, आयुर्वेद में चुंबक को अमृत कहा गया है, क्योंकि वह अमृत तुल्य जीवन को बनाकर रोगों का नाश करता है। यही चुंबक के बारे में मेरे पिता चुन्नीभाई भट्ट ने भी बहुत कुछ लिखा, मुझे लिखने की प्रेरणा दी, और उनके द्वारा मैंने चुंबक चिकित्सा के ऊपर 3 पुस्तकें लिखी हैं। अलग अलग पेपरों में मेरे चुंबक चिकित्सा के बहुत से आर्टिकल छपे हैं। भारत के हर बड़े शहर और बॉम्बे के संस्थाओं में मैंने फ्री कैंप किए हैं, करीबन 500 के आजूबाजू फ्री कैंप किए हैं कि जो गरीबों को मदद रूप बने। यह चुंबक के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि एक चुंबक सेट यदि आपके घर में है तो बहुत सी दवाइयां आपको नहीं लेनी पड़ती है। तात्कालिक असर के लिए भी चुंबक बहुत ही फायदा करता है, और सबसे बड़ी बात, चुंबक आयुर्वेद का एक अंग है। आयुर्वेद में रस शास्त्र करके एक विभाग है, यदि आप उनके नाता है तो आप जान सकते हैं कि वाग भट्ट, पतंजलि, चरक इत्यादि विद्वानों ने हजारों साल पहले आयुर्वेद में जो रस शास्त्र में रिसर्च की थी, रिसर्च करके उन्होंने बड़े बड़े रोग का निवारण किया था, तब इसी चुंबक का उस जमाने में
वो लोग भस्म बना के, बर्तन बना के इसका प्रयोग करते थे। यही चुंबक के बारे में हम आयुर्वेद के साथ आपको उनकी जानकारी देना चाहते हैं। हम चाहे कि आप यह देखकर सुनकर आप हेल्दी हो तो भी इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, या तो आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी व्यक्ति हो जो गरीब है या तो पुरानी बीमारी के भोग बनी है, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं और उनको कम पैसों में इस इलाज का उपयोग करना बता सकते हैं। यही अपेक्षा है। इस श्रृंखला में आप चुंबक के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां दूर हो सकती है और किस तरह चुंबक का उपयोग हम कर सकते हैं उसके बारे में हम हर कड़ी में आपको ये बताते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और इस श्रृंखला में हमें मिलते रहें। धन्यवाद।